नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर योसेफ काले है। मैं एक कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ मणिपाल हॉस्पिटल पटियाला में। आज हम एक बहुत ही गहन टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है स्पेसिफिक फोबियाज। स्पेसिफिक फोबिया का मतलब ये है कि जैसे हमें किसी भी चीज़ को देख के डर लगता है, तो जब ये डर ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जो हमें नॉर्मल काम करने के लिए भी दिक्कत देता है, और ये स्पेसिफिक एक चीज़ को या एक एनवायरनमेंट को या एक सिचुएशन को लेके होता है, तो उसको हम स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। स्पेसिफिक फोबियाज के प्रकार बहुत सारे हैं, जैसे कॉकरोचेस को देख के लड़कियाँ डरती हैं, या फिर सांप को देख के हम डरते हैं, या लिजर्ड को देख के डरते हैं, हाइट्स को या अंधेरे को, या फिर जब हम स्टेज पे बात करते हैं या कैमरा के सामने भी होते हैं तब हम डर जाते हैं, और उसकी वजह से जब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता उसको सिचुएशनल या स्पेसिफिक फोबिया है। स्पेसिफिक फोबियाज बचपन से ही स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर जैसे बचपन में कोई ट्रॉमा है या डराया गया है तो वो कैरी फॉरवर्ड होके आगे भी हमें उस चीज़ से फोबिया होता है, जो कि सिचुएशन की वजह से ज़्यादा बढ़ जाता है जब हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। टीनेजर्स के बारे में अगर हम बताएं तो उनमें ज़्यादातर सिचुएशनल फोबिया होता है या पब्लिक का सोशल फोबिया होता है, जैसे कि कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा। आजकल सोशल मीडिया की वजह से हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है, हर किसी के कपड़े अच्छे होने चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो इस उम्र में टीनेज में ज़्यादातर बॉडी इमेज को लेके फोबियाज होते हैं और सोशल फोबियाज ज़्यादा होते हैं। फोबिया जो स्पेसिफिक होता है, अगर किसी इंसान को हम उस सिचुएशन में डालेंगे या वो ट्रिगर पॉइंट जो है, वो ट्रिगर वाली चीज़ जो है, अगर वो इंसान के सामने आ जाए तब वो फोबिया ट्रिगर हो जाता है, और उसमें स्वेटिंग होने लग जाता है, उसमें पालपिटेशन या धड़कने ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है, कभी कभी लोगों को चक्कर भी आ जाता है, शिवरिंग हो जाता है, और हमारे क्लाउडिंग हो जाता है माइंड का। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आते हैं जो अपनी सिचुएशन बताते हैं कि हमें या तो क्लोज स्पेसेस में, जैसे कमरा है या लिफ्ट है, क्राउडेड प्लेसेस में, या फिर कॉकरोच देख के, या फिर लिजर्ड देख के, या फिर हाइट्स को देख के, पानी को देख के, जब उनको स्पेसिफिक उसी टाइम पे डर लगता है और ये डर ज़रूरत से ज़्यादा होता है और वो उनको प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में दिक्कत कर रहा है, तब हम उनका निदान करते हैं कि इनको स्पेसिफिक फोबिया है जिसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इलाज दो प्रकार से होता है, एक मेडिसिन से और दूसरा काउंसलिंग से। मेडिसिन में हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिनकी वजह से उनका एनजाइटी कम हो जाता है, और काउंसलिंग में धीरे धीरे एक्सपोजर थेरेपी एक कहते हैं, जिसमें वो जो ट्रिगर है उनका, वो धीरे धीरे उनको एक्सपोज करके उनका डर कम किया जाता है, या फिर इमेजिनरी उनको वो सिचुएशन में ले जाके कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जिसको कहते हैं वो हम करते हैं, दोनों चीज़ें मिलकर उसका ट्रीटमेंट होता है। एक्सपोजर थेरेपी दो प्रकार से होती है, कि किसी को हाइट्स से दिक्कत है, उसको पांचवें माले से हाइट अगर ऊपर जाती है तो उसको प्रॉब्लम आता है, एनजाइटी होती है, तो उसको हम पहले छठे माले पे लेके जाएंगे, उसको रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे। जब तक वो छठे माले पे कंफर्टेबल नहीं होता तब तक उसका वहाँ पे ट्रीटमेंट चलेगा, फिर धीरे धीरे उसका हाइट बढ़ा के उसका फोबिया कम किया जाता है, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रिगर धीरे धीरे हम बढ़ा के उसको डाउन करते हैं। सेकेंड होता है फ्लडिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये पेशेंट के लिए एक्सट्रीम्स ऑफ हाइट पे ले जाए और वहाँ पे उसको रिलैक्सेशन टेक्निक्स करने की या कुछ मेडिकेशंस देके उसको शांत करके उस सिचुएशन में बार बार ले जाके उसका सारा डर कम करने की हम कोशिश करते हैं, तो ये होता है एक्सपोजर थेरेपी।